हेलो एवरीवन, देखिए अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो एक होता है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला में तो सिंपल आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो अगर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है और इमेज का डिस्टेंस पता है, ठीक है। लेकिन लेंस मेकर्स मतलब जो लोग लेंस बनाते हैं वो किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे, क्लियर। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम यहाँ पर करेंगे कन्वेक्स लेंस के लिए। तो देखो अगर कन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक कन्वेक्स लेंस बनाएंगे, ठीक। ये हमने बना दिया एक कन्वेक्स लेंस, कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और ये इसका यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। और ये इसका पोल मान लेंगे हम, ये अब बोलेंगे इसको पोल। और देखो यहाँ पर ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, ये सरफेस वन है इधर से अगर हम देखें, और ये वाला जो है इस लेंस का सरफेस टू है, कितनी बात क्लियर है या नहीं है। अगर ये सरफेस वन है तो ऑब्वियसली बात है ये स्फीयर ऐसे बनेगा इधर, ठीक है, और उसका सेंटर इधर बनेगा, ठीक है। तो यानी कि ये हम सेंटर वन मान लेते हैं इस स्फीयर का, ठीक है ना, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, ठीक। और ये जो एस टू है वो ऐसे आएगा स्फीयर, ठीक है ना, अगर यहाँ स्फीयर बनता पूरा तो इस तरीके से बनता, तो उसका सेंटर इधर आता, ठीक है। तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पर सी टू, एस टू के लिए सी टू और एस वन सरफेस के लिए सी वन, कितनी बात क्लियर है, ये समझ रहे हो ना बात। देखो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, जैसे ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है तो ये एक स्फीयर बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस था यहाँ पर, ये था S1 और ये वाला था S2, तो ये S2 वाला स्फीयर बना, तो इसके लिए यहाँ पर C2 आ जाएगा। और ये S1 वाला सरफेस है, इसका स्फीयर इस तरीके से बनेगा, तो इसका सेंटर इधर बनेगा, तो ये C1 बोल लेंगे हम। समझ रहे हो किस तरीके से बनाया है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से गई, क्लियर। अब देखो इस सरफेस पे जब ये आई तो यहाँ पर हमें नॉर्मल पता होना चाहिए, क्योंकि अब ये कहाँ जाएगी, रिफ्रैक्शन में। और किस तरीके से जा रही है, ये वाला इधर रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, और ये लेंस है ऑब्वियस सी बात है, तो ये वाला जो हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू मान लेंगे हम, ठीक है। और ये अगेन इधर म्यू वन, ठीक है, एयर है मान लो ये, ठीक। तो ये वाला जो है लेंस का मीडियम जो है हमारे पास, इसको हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या नाम दिया है, म्यू टू दिया है, क्लियर। और एयर के लिए म्यू वन, तो ये रेयरर है, ये डेंसर है और फिर अगेन रेयरर है। तो अभी जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो कैसे जा रही है, रेयरर टू डेंसर, तो रेयरर टू डेंसर जा रही है। लेकिन हमें पता है इसके अंदर कि नॉर्मल की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो अब आपके पास रिफ्रैक्टेड रे आएगी वो क्या होगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयरर टू डेंसर में यही होता है, तो उसके लिए नॉर्मल पता होना चाहिए। तो नॉर्मल क्या होगा, मैंने आपको बताया था क्या होगा, जैसे एक पूरा स्फीयर होता अगर, ठीक है ना, तो उसके सेंटर से, हमेशा आप देखना सेंटर से जो लाइन जाएगी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये वाला C1 है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ से इधर किसी भी सरफेस पे आपके पास ये लाइट पड़ेगी तो ये कितना होगा, S1 पे अगर हम देख रहे हैं तो कितने डिग्री पे होगा, ये 90 डिग्री पे, तो ये हमेशा नॉर्मल होंगे, ये आपको पता भी है वैसे भी, ठीक है, क्लियर है, बहुत बार मैंने ये बताई भी बात, ठीक है। पूरे इस स्फीयर पे कहीं पर भी यहाँ से ऐसे जाए, यहाँ से ऐसे जाए, कहीं पर भी, तो ये 90 डिग्री पे, तो ये नॉर्मल ही होगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला सरफेस है, तो इस पे यहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो देखो इसमें इस तरीके से हम ये नॉर्मल बना देंगे, क्लियर है इतनी बात। और इसको जो नाम है वो दे देंगे हम नॉर्मल वन, यानी कि एन वन, ठीक है। अब देखो बेंड होनी है इसको कैसे, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो अगर ये सीधी रे चल जाती, इस तरीके से जाती, तो ये सीधी रे और इस नॉर्मल के बीच में बनेगी लाइन कहीं भी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल के लिए इस तरीके से बना दें इसमें, ठीक है, ये रे गई। अब देखो जरा, अब जब हम नॉर्मल बनाते थे, ठीक है ना, जब अपने रे डायग्राम वगैरह किए थे, तो जैसे ये कन्वेक्स लेंस होता था और यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो हम सीधा ऐसे निकाल देते थे, ये गई रे और ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल में, इस तरीके से हम बोल देते थे यहाँ बन गई इमेज, याद है कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉपर दिखाना पड़ रहा है कि यहाँ पर तो हम नहीं दिखाते थे अंदर की क्या रिफ्रैक्शन हो रही है, बस डायरेक्ट बाहर निकाल देते थे फाइनल इमेज के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हुई है आपके पास रिफ्रैक्शन, अब सरफेस टू पे भी रिफ्रैक्शन होगी। अब देखो जैसे ये रे ऑफ लाइट जाएगी वो कैसे जाएगी, डेंसर टू रेयरर। तो डेंसर टू रेयरर कैसे होती है बताओ जरा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यही होता है, ठीक है। डेंसर टू रेयरर अगर जाती है तो उसके लिए भी सरफेस टू पे नॉर्मल चाहिए, तो वो इसके सेंटर से डलेगा, तो वो इसके सेंटर से यहाँ डाल देते हैं, क्लियर। और इससे पहले मैं इसमें एक चीज़ और बना सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो अगर ये रे अब सीधी जाती इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये सीधी जाती तो यहाँ इमेज बनती, ठीक है, यानी कि सरफेस वन से जो इमेज बनती वो ये बनती, इसको मैं नाम दे देता हूँ आई वन, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ नहीं बनी, क्यों, सरफेस टू ने भी क्या किया, रिफ्रैक्शन हुई यहाँ पर भी और
बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल के लिए देखो क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ नॉर्मल बनेगा, तो वो कहाँ से बन जाएगा आपके पास, सी टू से ये नॉर्मल बन गया, इसको हम नाम दे देते हैं एन टू। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? अब देखो ये रहा नॉर्मल और ये रही वो सीधी रे, तो वैसे बात है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगा, इस सीधी रे से इधर कहीं भी आएगी ये, तो ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ इमेज बन जाएगी। कितनी बात क्लियर है? तो जो फाइनल इमेज आई है वो यहाँ पर आई है। समझ में आया डायग्राम कैसे बना है? बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, लेकिन ध्यान से समझोगे तभी कहानी क्लियर होगी। क्लियर है? अब आपको पता है ये सब चीज़ें यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से ये कितना होगा आपके पास, यू हम मान लें, और ये सी टू वाला जो है आपके पास ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पी से, तो ये आर टू लिखेंगे हम, और सी वन वाली को क्या लिखेंगे हम, आर वन लिखेंगे। क्लियर? और यहाँ से देखो आई वन के लिए जो डिस्टेंस है ये रहेगा आपके पास वी वन, क्योंकि आई वन है इमेज, तो इमेज का डिस्टेंस वी वन हो गया, और ये आई वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना हो जाएगा आपके पास वी, इसको हम वी लिख देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? ये चीज़ें समझ में आई हैं। अब देखो अगर ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसमें कुछ भी मुश्किल होने वाली नहीं है आपको डेरिवेशन में। क्यों? आपको याद होगा हमने रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सर्फेसिस किया था, जिसमें हमारे पास केसेस थे, 5 केसेस थे टोटल अगर आपको याद हो, ठीक है? तो रेयरर टू डेंसर का कन्वेक्स का याद है आपको? अब देखो ये जो सरफेस है, अगर आप इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, इस वाले को देखो सिर्फ सरफेस वन को, क्या ये वैसा ही डायग्राम नहीं लग रहा जैसे हमने रेयरर टू डेंसर में किया था? ये पूरा ऐसे हमने आगे तक बढ़ा दिया था, हमने कहा था ये पूरा डेंसर मीडियम है, इस तरीके से कुछ बनाया था अगर याद हो आपको, इस तरीके से देखो ये ऐसे था आपके पास और ये ऐसे बना दिया था हमने, याद है? ये रेयरर होता था और ये डेंसर होता था, याद आया कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है? तो वो वाला जो रिजल्ट था वहाँ पर, आप रियल इमेज का ले लो वहाँ से, वैसे तो रियल और वर्चुअल सबका वहाँ सेम ही था रिजल्ट, और कनकेव में भी सेम ही था, ये बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है? नॉर्मल सी बात करते हैं कि रियल इमेज वाला जो आपके पास केस था उसका रिजल्ट उठाओ आप, ठीक है? अगर उसका रिजल्ट उठाते हो आप तो वो क्या था आपके पास, अगर आपको याद हो उसका जो रिजल्ट था वो आया था आपके पास म्यू वन माइनस में और ये यू प्लस में म्यू टू बाय वी इज इक्वल टू में 1/r म्यू टू माइनस में म्यू वन, ये रिजल्ट था। और ये हमने यहाँ लिख भी रखा है कि रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1 पे जो रिफ्रैक्शन हुई है वो क्या है, फॉर सरफेस S1 रिफ्रैक्शन हो रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और उसका रिजल्ट ये है, ठीक है? मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ जरा एक मिनट, ये देखो ये था टॉपिक आपके पास रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस, और इसमें आपके पास जो फर्स्ट था वो यही था रेयरर टू डेंसर फॉर द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है? तो ये वाला रिजल्ट था, यही मैंने वहाँ पर लिखा है, देख लो आप, आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट लिखना है वहाँ पर, ठीक है? क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ठीक है? तो चलते हैं वहीं पर ही, तो यहाँ पर देखो जरा आपके पास अब ये म्यू वन अपॉन में ये माइनस में चल रहा है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू ही है यहाँ पर, यू ही लिखेंगे। एक बात याद रखना, अब यहाँ पर आपको साइन नहीं लगाने, आप कभी सोचो कि लेफ्ट हैंड साइड है तो आप साइन चेंज करोगे, क्यों? क्योंकि मैंने ये डायरेक्ट क्या किया है आपका फॉर्मूला उठा लिया ना वहाँ से, तो वहाँ पर जब हमने ड्राइव किया था तो इनके साइन लिए ही थे, तो फॉर्मूले से फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है एक, समझ रहे हो? तो अब बार बार आपको नहीं चेंज करने साइन, समझ रहे हो? हाँ न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल चेंज होंगे साइन, जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो चाहे लेंस मेकर्स का है चाहे आपके पास नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस के लिए है तो वहाँ पर साइन चेंज करने ही करने हैं, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला उठा लिया, और अगर आप ये ड्राइव करते हैं एक्चुअल में तो वहाँ पर आपके साइन चेंज होने ही थे, क्योंकि जब हमने डेरिवेशन की थी तो वहाँ पर साइन चेंज किए ही थे, तो यहाँ अगेन दोबारा से इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है? चलो प्लस में म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू ही है यहाँ पर डेंसर के लिए, और V, अब सरफेस वन पे जो V बनाया है वो ये आई वन बनता, ठीक है ना? एक्चुअली में तो वो सरफेस टू से फिर यहाँ पर आ गया इमेज, लेकिन यहाँ पर होती अगर सरफेस वन से बनती तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इमेज का ये कौन सा लेंगे हम, वी वन, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं V की जगह वी वन लिख देते हैं, क्या इतनी बात क्लियर है? इक्वल टू में, अब सरफेस वन के लिए रेडियस देखो कौन सी थी, सरफेस वन के लिए जो रेडियस थी वो ये थी आर वन वाली थी आपके पास, ठीक है? तो यहाँ पर हम आर की जगह क्या लिख देंगे, आर वन, और ये सेम रखेंगे म्यू टू माइनस में म्यू वन। बताओ जी इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, आया समझ में? ठीक है, इसको इक्वेशन को फर्स्ट मान लो आप, क्या इक्वेशन को मान लेंगे हम यहाँ पर, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? अब इसी तरीके से आप सरफेस टू पे देखो, सरफेस टू पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये सरफेस टू देखो जरा ध्यान से कौन सा बनता है, ये आपके पास कन्वेक्स ही है, ठीक है ना? इस साइड से हम देखेंगे सरफेस टू को तो ये कन्वेक्स ही दिख रहा है,
लेकिन अब जहाँ यहाँ पर जो लाइट जा रही है वो कैसे जा रही है, डेंसर टू रेयरर जा रही है। तो डेंसर टू रेयरर का कन्वेक्स का जो केस था वो हम देखेंगे सरफेस टू के लिए, और यहाँ भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही ले लेंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने ये कि रिफ्रैक्शन एट सरफेस एस टू क्या हो रहा है, फॉर सरफेस एस टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम कहाँ से कहाँ हो रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम एट अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो ये डेंसर टू रेयरर वाला केस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये कौन सा केस है आपका, फिफ्थ केस है, वहाँ देख लेना जहाँ पर मैंने करवाई है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस, उसमें फिफ्थ केस है ये आपके पास, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो हम लेंगे, तो वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, माइनस में म्यू टू बाय यू प्लस में म्यू वन बाय वी इज इक्वल टू में वन बाय आर, यहाँ पर आ जाता है आपके पास म्यू वन माइनस में म्यू टू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये देख लो, माइनस में म्यू टू बाई यू प्लस में म्यू वन बाई वी इक्वल टू में वन बाई आर म्यू वन माइनस म्यू टू। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से लिया है, ये देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर हो रहा है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, डेंसर टू रेयरर वाला केस है और इसी तरीके से बन रहा है, वहाँ पर देख लो आपके पास जो सरफेस है ऐसे ही आ रहा है एस टू वाला, और डेंसर टू रेयरर जा रही है रे ऑफ लाइट, ठीक। तो ये फॉर्मूला था वहाँ, माइनस म्यू टू बाई यू प्लस में म्यू वन बाई वी इक्वल टू में वन बाई आर म्यू वन माइनस म्यू टू। तो ये वाला फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिया है वहाँ पर, क्लियर है इतनी बार, चलो चलते हैं वहीं पर ही, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये फॉर्मूला कहाँ से लिया है, ठीक है। अब इनकी भी वैल्यूज़ देखते हैं, देखो यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको देखनी है। देखो ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, इसको ना मैं इधर लिखता हूँ ज़रा ध्यान से, ठीक है, ताकि फिर मैं इसमें जब डिस्टेंसेज लूँगा तो आपको यहाँ से उसको कंपेयर कर सकूँ कैसे लिया है मैंने, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला अगेन यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस म्यू टू बाय यू प्लस में म्यू वन बाय वी इक्वल टू में वन बाय आर म्यू वन माइनस में म्यू टू, ठीक है। अब देखना जरा यहाँ पर u क्या होगा, सरफेस टू के लिए u क्या होगा, सरफेस टू के लिए u आप सोच रहे होंगे यही वाला u ले लेंगे ऑब्जेक्ट का, नहीं। एक चीज़ याद रखनी है आपको, जैसे ये वाला स्फेरिकल सरफेस है आपके पास, ये वाला s2 हो गया, ठीक है। अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, पिछले की इमेज, या हम लेंस, अगर लेंस की नॉर्मल बात करें तो जो ये वाला लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो पिछले लेंस की इमेज बनी है। क्योंकि एक्चुअली में देखो होता क्या है, नॉर्मल सी बात आप समझना, लेंस में ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करता है कहीं पर, एक्चुअल में यही होता है, ऑब्जेक्ट को कहीं से कहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। अब नॉर्मल सी एक चीज़ को समझो कि अगर ऑब्जेक्ट को ये दिखा रहा है, जैसे ये वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज थी वो यहाँ पर बनी, ठीक है ना, इसको यहाँ पर लेके आया। अब जो दूसरा सरफेस है वो इस वाली इमेज को ही तो यहाँ पर लाया, तो यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हुआ सेकंड के लिए, जो पिछले की इमेज थी, ये बस याद रखनी है आपको बात। इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, जो पिछले की इमेज थी, क्या इतनी बात क्लियर है। तो पिछले की इमेज क्या थी हमारे पास, ये आई वन वाली, तो ये वाला डिस्टेंस जो था वो कितना था, वी वन का था। तो यानी कि अब जो सरफेस टू के लिए यू बनेगा वो ये वी वन बनेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि इस वाले ने काम क्या किया, ये इमेज यहाँ आ रही थी, अगर ये वाली रे देखें हम, ये वाली यहाँ आ रही थी, ठीक है ना, इसको टिल्ट किया और यहाँ पर लेके आया, तो सरफेस टू ने एक्चुअली में इसको इधर शिफ्ट किया, तो यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये बात याद रख लेना कि जो पिछले की इमेज होती है वो अगले का ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, माइनस में म्यू टू और यू की जगह अब आ जाएगा यहाँ पर वी वन, प्लस में यहाँ पर है म्यू वन और वी की जगह वी ही आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो जो इमेज का डिस्टेंस है वो वी ही है, अगर सरफेस टू की इमेज देखें हम, ठीक है ना, तो ये वी ही आ गया, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर देखो जो इसकी रेडियस होगी सरफेस टू के लिए वो कितनी बनेगी, ये आर टू, तो यहाँ पर आ जाएगा वन बाय आर टू। बार बार कह रहा हूँ, अब साइन नहीं लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने फॉर्मूले में पहले ही कर चुके थे साइन वगैरह सब, ठीक है, फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बन रहा है, तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं है साइन चेंज करने की। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो साइन चेंज करने ही करने पड़ेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखो ये आपके पास म्यू वन माइनस में म्यू टू, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब देखो इसमें हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान देना ज़रा, अगर आप देख रहे हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ आ रहा है वन बाय आर वन म्यू टू माइनस म्यू वन, और यहाँ पर आ रहा है म्यू वन माइनस म्यू टू। एक्चुअली में मैं क्या करना चाहता हूँ, इस फर्स्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहता हूँ। तो यहाँ म्यू वन माइनस म्यू टू है, यहाँ म्यू टू माइनस म्यू वन है, तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये वन बाय आर टू, और अगर जब माइनस कॉमन ले लिया तो म्यू वन माइनस का हो गया और ये म्यू टू प्लस का हो जाएगा, समझते हो ये बात। तो अगर म्यू टू प्लस का हो गया तो मैं म्यू टू यहाँ रख दूँ प्लस का, और ये म्यू वन माइनस का हो गया म्यू वन यहाँ रख देता हूँ, कितनी बात समझ में आ रही है। सेम अगर इधर से माइनस लिया तो इधर से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, म्यू टू बाय वी वन ये प्लस का बन जाएगा और प्लस वाला ये माइनस का बन जाएगा म्यू वन बाय वी,
कि इतनी बात क्लियर है या नहीं है, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, म्यू टू बाई वी वन माइनस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू में वन बाय आर टू म्यू टू माइनस में म्यू वन, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, और अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो यहाँ पर लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्ट फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करेंगे, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट ये है तो ये लिख देते हैं इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड माइनस में म्यू वन बाय यू प्लस में म्यू टू बाय में वी वन, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो, ये माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला जो हो जाएगा ये आपके पास आएगा म्यू टू बाय वी वन। अब देखो ये माइनस लगाया हमने, जब भी सब्ट्रैक्ट होगा तो ये साइन चेंज होगा, वैसे मैं कैसे करता, ब्रैकेट लगाता हूँ फिर लिखता माइनस म्यू वन बाय वी, ठीक है, एक स्टेप कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस लगा हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का बनेगा म्यू वन बाय वी हो जाएगा, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। राइट हैंड साइड में आ जाओ, राइट हैंड साइड में देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, वन बाय आर वन म्यू टू माइनस म्यू वन, और यहाँ है वन बाय आर टू म्यू टू माइनस म्यू वन, तो म्यू टू माइनस म्यू वन तो कॉमन है, देखो कैसे, अगर मैं आपको यहाँ पर इसको करके दिखाऊँ, देखो यहाँ से समझना इसको, क्या किया मैंने, 1 बाई आर वन म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस में 1 बाई आर टू म्यू टू माइनस म्यू वन, यही किया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लिया, दोनों में था क्योंकि, तो यहाँ बचा क्या 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, समझ रहे, तो वो चीज़ हम यहाँ लिखने वाले हैं, ठीक है, म्यू टू माइनस म्यू वन दोनों में कॉमन है, उसको ऐसे लिख दिया, और फर्स्ट माइनस सेकेंड थी इसलिए यहाँ आएगा 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, क्लियर हो रही है चीज़। अब देखो ज़रा यहाँ से क्या कोई चीज़ कटती है, बिल्कुल कटती है, ये देखो म्यू टू बाई वी वन ये प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो ये वाले कैंसिल हो गए यहाँ पर, और ये म्यू वन बाई वी मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि ये प्लस में है, और ये वाला माइनस म्यू वन बाई यू बाद में लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है वैसे तो, ठीक है। और यहाँ से देखो ये है आपके पास म्यू टू माइनस में म्यू वन, और ये है आपके पास वन बाई आर वन माइनस में वन बाय आर टू, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। यहाँ से देखो म्यू वन कॉमन लो, आप म्यू वन कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, वन बाई वी माइनस वन बाई यू, और ये आ गया आपके पास इधर म्यू टू माइनस में म्यू वन, सेम है वैल्यू, ऊपर वाली सेम रखेंगे यहाँ पर, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। अब देखो ज़रा म्यू वन है, म्यू वन को इधर लेके चले जाएँ, देखो वन बाई वी माइनस में वन बाई यू, अगर म्यू वन इधर मल्टीप्लाई में तो इधर के डिवाइड में जाएगा, तो जब डिवाइड में जाएगा यहाँ पर देखो ज़रा करके दिखा देता हूँ, म्यू टू माइनस म्यू वन है, ठीक है, डिवाइड में जब जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई में ही लग रही है वैल्यू, ठीक है ना, तो यहाँ पर म्यू वन हम डिवाइड में जब लेके जाएंगे इस तरीके से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, म्यू टू बाय म्यू वन माइनस में म्यू वन बाय म्यू वन, दोनों के नीचे कर दिया म्यू वन, ये कैंसिल वन आ गया, तो ये आ गया म्यू टू बाय म्यू वन माइनस का वन, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ हम यही चीज़ लिख रहे हैं, म्यू वन इसके नीचे ले आए तो ऑब्वियस ही बात है ये म्यू टू बाय म्यू वन, और माइनस का यहाँ आ जाएगा वन, कितनी बात क्लियर है या नहीं है। और इधर ये 1 बाई आर वन माइनस में 1 बाई आर टू सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू आपको पता है क्या होता है, 1 बाई एफ होता है लेंस फॉर्मूला से, ठीक है ना, पता होगी ये बात। और म्यू टू बाई म्यू वन है, देखो म्यू टू बाई म्यू वन है, म्यू टू बाई म्यू वन, इसको लिखने का तरीका क्या होगा आपके पास, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, और आपने देखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू किसका था, लेंस का ही था, तो इसी का ही मीडियम, इसी मीडियम का चाहिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू टू लिख सकते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू वन, यानी कि एयर के साथ ही होगा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो टू का ही है, ठीक है, तो ये म्यू टू है। और इसको मैं नॉर्मल म्यू भी लिख सकता हूँ, और म्यू आप समझ जाना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, लेंस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो इस म्यू टू बाई म्यू वन को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं सिंपल, ये इसका मतलब आप समझ आना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, ठीक है, माइनस में वन, क्योंकि वैसे मैं क्या लिखता है इसको, म्यू टू लिखता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और यहाँ से मैंने इसको नॉर्मली क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया, ठीक है, तो म्यू माइनस वन, और यहाँ से आ गया आपके पास वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। तो ये जो है आपके पास फॉर्मूला बन गया लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो, ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला, इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में फिर ये यूज़ भी होगा, क्लियर है इतनी कहानी बताओ, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा था ये भी, इसको कर लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बार बार प्रैक्टिस करना इसकी, और अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्यों कह रहा था स्फेरिकल सर्फेसिस में कि उनके भी रिजल्ट आप लर्न कर लो, ठीक है ना, क्योंकि वो यूज़ होने वाले हैं, यहाँ तो यूज़ हुए ही हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होंगे ही होंगे, क्लियर है, आया समझ में, ओके जी, थैंक यू।